पंचायती राज संस्थाओं के भावी चुनावों को लेकर जिला प्रशासन कमर कस चुका है। इस बार जिला प्रशासन के समक्ष जिले की 2 नगर पंचायतों और 2 निगमों में सफल चुनाव करवाना भी बड़ी चुनौती रहेगा। दरअसल कांगड़ा में इस बार 2 नगर पंचायतें और 1 नई नगर निगम का गठन हुआ है, जिसमें शाहपुर और ज्वाली को नगर पंचायत बनाया गया है, जबकि पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही जिले में 100 नई पंचायतों का भी गठन हुआ है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन इस वक्त नए आयामों को संगठित करने के लिए सीमांकन का कार्य कर रहा है। सीमांकन का कार्य करना ही जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए क्योंकि इन नई बनी पंचायतों, नगर पंचायतों और निगम में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो इनका विरोध भी कर रहे हैं और वो इन दायरों में नहीं आना चाहते। बावजूद इसके अब इनके सीमांकन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं जग जाहिर है कि बीते कई दशकों से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हर 5 साल बाद दिसंबर माह में ही होते आए हैं, मगर अब की बार लंबे अरसे के बाद ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए भी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जहां कई सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली गड़बड़ा चुकी है, तो वहीं उसके तहत होने वाले कामकाज भी गहरा असर पड़ा है। इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब सरकारी तंत्र चुनावों को तय वक्त में करवाने के लिए रात दिन मेहनत तो कर रहा है। बावजूद इसके चुनाव दिसंबर माह में ही करवाए जा सके, ऐसा सफल होता प्रतीत नहीं हो रहा। हालांकि जिलाधीश राकेश प्रजापति मानते हैं कि जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, मगर दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि वो नए दायरों के दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और चुनाव कब करवाए जाएंगे ये राज्य निर्वाचन आयोग पर उत्तरदायी है। वो जैसा फैसला लेगा जिला प्रशासन उसके मुताबिक अपनी मुस्तैदी दिखाएगा। और देखिए, अभी जो पहला निर्देश सरकार के माध्यम से आया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कि जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए, उनको तैयार किया जाए आगामी आने वाले इलेक्शंस के लिए, तो उसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ बहुत आपको पता होना चाहिए कि एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन रहा है और एक नगर पंचायत बनी है शाहपुर की, और साथ ही ज्वाली में कुछ चेंजेज आए नगर पंचायत में, उसको लेकर भी क्योंकि आसपास की पंचायतों में बदलाव होना है और लगभग 100 के आसपास नई पंचायतें बनी हैं, तो उनका डिलिमिटेशन होना और उनके आगे फर्दर जो रिजर्वेशन है ये आने वाले वक्त में जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा दिशा निर्देश आते हैं उस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, इसके बारे में जो भी फैसला होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन लेता है, ये उनका प्रेरोगेटिव है।